Hello everyone, I'm Raghi and I'm back with the questions of chapter number 9, Hydrogen, class 11th NCERT. In this video, I will be explaining you question number 4 and it's on page number 288 of NCERT book. Fine, so let's move on to the question first. Question is, how can the production of dihydrogen obtained from coal gasification be increased? तो पूछा गया है कि हम किस तरह से डाइहाइड्रोजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करें व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन. सी कोल गैसिफिकेशन में क्या होता है कि असन गैस और अ सिंथेसिस गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल. उस प्रोसेस को हम कोल गैसिफिकेशन कहते हैं. इसमें कार्बन विच वी नोन एज अ कोल प्लस उस कोल को हम रिएक्ट करवाते हैं विद स्टीम एट अबाउट 1273 केल्विन एंड कैटलिस्ट जो हम यूज करते हैं वो निकल यूज करते हैं. तो हमें सिन गैस या सिंथेसिस गैस मिलती है. वो सिन गैस किसका मिक्सचर होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड का प्लस डाइहाइड्रोजन दैट मीन्स H2 का होती है. अब पूछा गया है कि जो डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे किया जाए. तो उसका आंसर ये है कि जो हमारे पास सिन गैस में डाइहाइड्रोजन तो प्रोड्यूस होती है इट इज फाइन, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसको अगर हम रिएक्ट करवा दें स्टीम के साथ में एट अबाउट 673 केल्विन और वो भी आयरन क्रोमेट एज अ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वी विल बी ऑब्टेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन. सो फ्रॉम दिस वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम द प्रोसेस नोन एज कोल गैसिफिकेशन. तो जो जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया था इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट आयरन क्रोमेट एट अबाउट 673 केल्विन हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड डाइहाइड्रोजन, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. अब आप ये कहेंगे कि मैम जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है रिएक्शन में उसका क्या यूसेज है, बिकॉज वी नीड ओनली डाइहाइड्रोजन प्रोडक्शन टू बी इंक्रीज ऑन. तो सुनिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है वॉटर गैस शिफ्ट रिएक्शन उसको हम व्हाट वी से रिमूव कर देंगे बाय स्क्रबिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड, या फिर हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को पास ऑन कर देंगे थ्रू वाटर एट अबाउट 30 atm प्रेशर. तो उसमें क्या होगा, मतलब बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू, जो हमारे पास मिक्सचर ऑब्टेन हुआ है वी विल बी पासिंग दैट मिक्सचर थ्रू वॉटर एट अबाउट 30 atm प्रेशर. उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाएगा और हमको हमारा डाइहाइड्रोजन मिल जाएगा. सो ये प्रोसीजर है थ्रू विच वी कैन ऑब्टेन द इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन. नाउ प्लीज हैव अ लुक ऑन द बोर्ड. The process of producing syn gas or synthesis gas from coal is called coal gasification. So this is a reaction, carbon in the solid state which is known as coal plus H2O in the gaseous form which is known as steam, in the form heat kiya at about 1270 kelvin in the presence of a catalyst nickel. So hume syn gas mili, carbon monoxide in the gaseous form plus dihydrogen in the gaseous form, in dono ka mixture ko hum syn gas kehte hain ya synthesis gas kehte hain. The yield of dihydrogen obtained from coal gasification can be increased by reacting कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ द सिन गैस विद स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट FeCr4 एज कैटलिस्ट एट 673 केल्विन. दिस इज कॉल्ड वॉटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. तो ये एक इक्वेशन है वॉटर गैस शिफ्ट रिएक्शन की. कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिन गैस प्लस स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट FeCr4 673 केल्विन, तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन द गैशियस फॉर्म प्लस H2 इन द गैशियस स्टीम. फाइन, सो दिस इज द वॉटर गैस शिफ्ट. अब आप कहेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे रिमूव करेंगे, तो हम क्या करेंगे, द कार्बन डाइऑक्साइड दस प्रोड्यूस्ड इज रिमूव्ड ईदर बाय स्क्रबिंग विद अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आर्सेनेट और बाय पासिंग दिस होल मिक्सचर थ्रू वॉटर अंडर 30 atm प्रेशर, जहां पर CO2 जो है इट विल बी डिजॉल्व लीविंग बिहाइंड द हाइड्रोजन विच इज देन कलेक्टेड.
Fine, so this was a whole process of how we can increase the production of dihydrogen which is obtained from coal gasification method. I hope it is now clear to you all, and this brings me to the end of the session. It's Meera here saying you all goodbye.